Hi friends, I am Ashok Kumar Sharma. New chapters, chapter number 2, biological classification. This chapter will be very important for the NEET and the mini entrance exam. If you also see the sequence of the many years that also attend the every year the questions. आप देखो 2010 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2011 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, पुनः 2016 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, इसके पश्चात 2017 में 5 क्वेश्चन, 2018 में 6 क्वेश्चन, 2019 में 4 क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी के आधार पे देखा जाए तो इस साल 2020 में 3 से 4 क्वेश्चन यानी आने ही आने वाले हैं। इसके साथ ही यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यानी टर्म टू टर्म ये फिगर के साथ सभी यानी जो चीजें होती है यानी इसको अटेंड किया जाएगा और इसमें प्रत्येक यानी जो आपके क्वेश्चन के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का भी उपाय किया जाएगा। आप मेरे यूट्यूब के चैनल के यानी कमेंट्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आइए यानी दोस्तों यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जानते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं क्लासिफिकेशन ये कोई यानी बायोलॉजी का एक मिनिमम वर्ड्स नहीं है, ये यानी मेन ओनली वर्ड्स नहीं है। ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। मेनी ग्रुप ऑफ द यानी जो सबस्टेंस होते हैं उनको सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस यानी यू वी मे बी ऑल्सो डिफरेंटली टू ईच अदर। मतलब जितने भी आपकी वस्तुएं होती हैं, जैसे आप यानी घरों या किराने स्टोर में आप जाते हो तो देखते हो कि यानी जो किराना स्टोर का यानी जो चला रहा होता है उसमें जितने भी जरूरत की सामानें होती हैं, कहीं वो सॉप पर रखता है, कहीं पे वो डिटर्जेंट रखता है। और जैसे जैसे आपको जिन सामानों की जरूरत पड़ती है वो बिना कुछ यानी मतलब वो अलग अलग यानी छांटने की बजाय यानी तुरंत अपने हाथों से निकाल लेते हैं। उसी तरह से यानी जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है यह हमारी जो पृथ्वी है इस पर लगभग 12 से यानी 14 लाख तक के यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, जिनका एक साथ अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इनको यानी अध्ययन करने के लिए उसके लक्षणों के आधार पर उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनको छोटे छोटे समूहों में हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें से अगर किसी एक जीवधारी के लक्षण को अगर हम जान लेते हैं तो शेष यानी इसमें रखे 100, 10, 100 यानी 150,000 यानी जंतुओं के लक्षण को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण की जो प्रोसेस हुआ यानी हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी द यानी क्लासिफाइड द ऑल द यानी सबस्टेंस एंड द यानी एनिमल्स। मतलब प्रत्येक जीवधारियों को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर छोटे छोटे यानी समूहों के आधार पर बांटने की जो क्रिया होती है उसी को वर्गीकरण कहते हैं। चूंकि हम बायोलॉजिकल का अध्ययन करते हैं तो इसे बायोलॉजिकल यानी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब इसमें यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर कहा गया कि मतलब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्या कारण है कि यानी मतलब हमको यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे ये हमारी जो पृथ्वी है यह यानी एक घर जैसा है, इसमें बहुत सारे यानी जीव जंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें यानी एक साथ यानी लगभग आपको बताया गया कि 12 से 14 लाख तक यानी पेड़ पौधे व जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन करना एक साथ यानी अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है। अतः इनमें से यानी किसी भी पौधे या जीव का यानी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के पश्चात उसी कैटेगरीज यानी उसी समानता और विभिन्नता के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इसे छोटे छोटे समूहों में डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के पश्चात एक बार जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो इसके यानी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। और वर्गीकरण करने के पश्चात उसका अध्ययन करना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इस तरह से यानी जीवधारियों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं। ये वर्गीकरण का जो कार्य रहा ये आज से नहीं हो रहा है, यानी बहुत पहले से जब से यानी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब मानव सभ्यता जब से प्रारंभ हुई तब से यानी विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, जैसे आप देख लीजिए कि जो जीवधारी आपके लिए उपयोगी होते हैं उनको उपयोगी जानवरों में रख लेते हैं। जैसे यानी जो आपके भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, दूध देने वाले जानवर है तो उसे दूध देने वाले जानवर के रूप में यानी क्लासिफाइड कर लिए। जो जानवर आपको मांस देते हैं उनसे यानी मतलब
मीट ईटिंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यंकी जीवधारियों से यंकी प्राप्त होने वाली चीजों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी के साथ साथ यंकी वर्गीकरण का जो कार्य चलता रहा वह बहुत पहले से, मतलब यानी कि लगभग 400 बीसी के अंतर्गत से यंकी वर्गीकरण का कार्य शुरू होता रहा। और इसमें सबसे पहला यंकी जो वर्गीकरण का कार्य किया गया अरिस्टॉटल यानी कि अरस्तु के द्वारा किया गया। देखिए हम कह रहे थे कि अरस्तु ने यानी सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का कार्य किया। वर्गीकरण के लिए यानी किसी भी आप वर्गीकरण को यानी करना चाहते हो तो इसका एक यानी मुख्य बेसिस होना चाहिए, बेसिस यानी आधार होना चाहिए। और इस आधार पे आप जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या आधार होना चाहिए? जैसे आप देखते हो यानी मतलब जब आजादी से पहले यानी लोगों को अंग्रेजों ने बांट दिया कि ये काले लोग हैं ये गोरे लोग हैं, तो इस आधार पर यानी उसके जो मॉर्फोलॉजी जो दिखता है, मतलब जीवधारी के जो लक्षण दिखते हैं उसके आधार पे हम क्या करते हैं उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो यानी अरिस्टॉटल ने सबसे पहले यानी जो इसका वर्गीकरण करने का कार्य किया यह बेसिस बनाया मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्या कर दिया इसने वर्गीकरण करने का कार्य किया। और इसने यानी संपूर्ण प्लांट को तीन भागों में डिवाइड कर लिया। ये तीन प्लांट आपके कौन थे, तो पहला इसने रखा ट्री, दूसरे में इसने सर्प को रखा और उसके पश्चात यानी हर्ब को रखा। अब इसमें समझते हैं यानी इनका अर्थ होता क्या है। जैसा कि यानी कुछ ऐसे पौधे यानी एनवायरमेंट में हम लोग के आसपास देखने को मिलते हैं जो काफी बोर्डेड होते हैं, जिसकी स्टेम काफी मोटी होती है, लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ऐसे पौधों को ट्री कहा गया। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं यानी जो पेड़ से छोटे, जिसमें लकड़ियों की मात्रा स्टेम में यानी वुडन जो यानी कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, बट झाड़ीदार होते हैं, और ऐसे पौधे को सर्व यानी झाड़ी कहा गया। इसके पश्चात यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो यानी बहुत ही छोटे होते हैं, जिसमें यानी स्टेम की बात की जाए तो लगभग यानी नगर के बराबर होती है, लकड़ी उसमें नहीं की बराबर होती है, ऐसे पौधे को यानी सर्व कहा गया। जिस एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए तो यानी जो आपका ट्री होता है, ट्री के अंतर्गत आपका क्या हो गया यानी जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, नीम हो गया, बनियान ट्री हो गया, यानी बहुत सारे यानी पौधे आपके क्या होते हैं यानी पेड़ आसपास मिलते हैं। इसके पश्चात यानी सर्व में देख लीजिए तो इसमें आपका क्या होता है यानी रोज हो गया, उसके बाद से चाइना रोज यानी गुड़हल हो गया, इसके पश्चात यानी मेहंदी हो गए, यानी बहुत से ऐसे पौधे जो क्या होते हैं यानी कद में छोटे होते हैं, लकड़ियों की मात्रा कम होती है, इनकी लाइफ स्पान भी कम होती है ट्री की तुलना में, तो इस यानी ऐसे पौधे को सर्व कहा गया। हर्ब यानी ऐसे पौधे जिसका जो एज होता है यानी मेनली यानी क्या होते हैं एनुअल होते हैं, मतलब उसकी लाइफ साइकिल लगभग 100 यानी मतलब 2 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है, इसमें लकड़ियों की मात्रा नगण्य होती है, ये साफ होते हैं, इसलिए इसको साकी पौधे कहे गए। तो ये तो रहा यानी पौधे को इसने क्लासिफाइड किया। अब ये देखते हैं यानी जो जंतुओं का इसने वर्गीकरण किया, यह जंतुओं के वर्गीकरण यानी जो बेसिस बनाया, यह जिन जंतुओं के अंतर्गत यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी पाया गया, जिनका ब्लड यानी रेड रहा उसे यानी इनआईमआर के अंतर्गत रखा गया, और जिन जंतुओं के अंतर्गत यानी जिसका जो ब्लड होता है यानी रेड नहीं होता है यानी ये क्या होता है यानी कलरलेस दूसरे कलर में पाए जाते हैं यानी नॉट फाउंड रेड, जिसमें यानी लाल कलर नहीं होता है उसे एनाइमा में रखा गया। तो ये यानी मतलब सबसे पहले क्या हुआ यानी चूंकि ये वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया, इसलिए यानी अरस्तु को यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर के रूप में भी जाना गया, और यानी से यानी जीव विज्ञान के जनक भी कह लिया जाए तो भी सही रहेगा। तो इस तरह से यानी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके नीट में मिलने ही मिलने, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसके पश्चात यानी आते हैं यानी जो दूसरे टॉपिक्स हैं यानी मतलब जैसे इसमें अगर देखा जाए तो बहुत से यानी मतलब डिमेरिट्स मेरिट्स इसमें पाए गए, और इसके पश्चात यानी दूसरी क्लासिफिकेशन जो दी गई वह कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। आप लोगों को जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन अरस्तु के द्वारा दिया गया उसमें यानी
मॉर्फोलॉजी के अनुसार उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि यदि जिसको संरचना आकृति आकार के आधार पर उसको आप क्लासिफाई कर दिए, कुछ उसमें क्रिप्टोगैमस है, कुछ एक क्रिप्टोगैमस है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो अंडे भी देते हैं और उनमें ब्लड रेड होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, चूंकि उसमें इनकी प्राइमरी क्लासिफिकेशन था और प्राइमरी क्लासिफिकेशन होने के कारण ये कुछ समय तक चला, लेकिन उसके कुछ समय के पश्चात इनकी दूसरे साइंटिस्ट आ गए और ये है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने अपने वर्गीकरण का जो आधार माना वो यानी द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, इन्होंने अपना बेस बनाया, बेसिस इन्होंने दिया सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में क्लासिफाई कर, ये दो आती कौन कौन रहे, तो पहला इसमें प्लांट रहा और दूसरा एनिमल रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट जो सेल वॉल है, ठीक है, वो केवल पौधों में ही मिलता है, चूंकि पौधे में मिलता है तो पौधे की जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो आपका एल्गी है, चाहे वो फंगस हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, इसके अंतर्गत इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात रही कि इन्होंने क्या कर दिया, इस सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने प्लांट्स के अंतर्गत सबको रख दिया। जितने भी जीवधारी ऐसे मिले जिसके अंतर्गत सेल वॉल नहीं था, ठीक है, इन सबको इन्होंने एनिमल्स के अंतर्गत रख दिया। अब इसमें यानी कि समस्या यानी कि ये रही कि चलिए सभी यानी कि सेल वॉल जितने भी हैं सबको ये प्लांट में रखें और ये छोटे छोटे ग्रुप में इनकी बना भी दिए, तो इससे तो क्लासिफिकेशन से हमको लाभ मिल गया, लेकिन इसकी डिमेरिट क्या रही। जरा आप देखिए, जो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो यानी कि आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसमें आप यानी कि साइनो यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे आपका नीले हरे शैवाल हो गए, नॉस्टक हो गया, एनोबिना हो गया, इसके अतिरिक्त क्लैनोडोमोनास हो गए, ये सभी आपके जो शैवाल हैं ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ ऐसे यानी कि आपके शैवाल हैं जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगाइरा है, डायटमस है विभिन्न प्रकार के, ये सभी आपके क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ रख दिया, ऐसा कैसे हो गया। दूसरा यानी कि फंगस जो है, इसमें यानी कि आप देखिए एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ये सभी आपके फोटोसिंथेटिक है, बट आपका जो फंगस है ये आपका सेप्रोफिटिक होता है, ये आपका क्या होता है, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो ये आपका फोटोसिंथेटिक नहीं करता है, फिर भी इसके साथ रख दिया गया। इसके अतिरिक्त यानी कि इसमें यानी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के आधार पर तो इसने रखा ही, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को यानी कि इसमें ध्यान नहीं दिया। दूसरा यानी कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ही में रख दिया। अब तीसरी चीज देखते हैं कि यानी कि कुछ ऐसे भी जीवधारी इसमें हैं जो यानी कि प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है यानी कि सम यानी कि प्लांट्स आर एनिमल डेट यानी कि फाउंड इफिशियंट न्यूक्लियस, जिसमें केंद्र क्या होता है यानी कि अविकसित होता है, नहीं होता है, तो ऐसे यानी कि जीवों को भी क्या कर दिया, इसमें रख दिया गया। ये बहुत सी डिमेरिट्स रही जिसकी वजह से यह कैरोलस लिनियस की जो क्लासिफिकेशन रही ये कुछ समय के पश्चात अमान्य कर दी गई। इसके पश्चात दूसरी जो आपकी क्लासिफिकेशन दी गई वह यानी कि अगले टर्म पे यानी कि दी गई, इसमें यानी कि जो आपके बेसिस अलग बनाए गए, ठीक है। चलिए देखिए इसके पश्चात जब यानी आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया, उसके कुछ डिमेरिट सामने आ गए, उसके पश्चात एक तीसरी क्लासिफिकेशन दी है जो हेकल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका जो बेस बनाया गया, या यानी कि आपके जो बेस दिए गए इसमें यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह
इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर रखा गया। हालांकि वो भी आपका नहीं चल सका, उसके पश्चात कोपलैंड आ गए। कोपलैंड ने एनपी मोड ऑफ म्यूटेशन के आधार पर डिवाइड किया, इसको एनपी चार भागों में डिवाइड किया। इसके पश्चात तो उसमें भी कुछ डिमेरिट रही। 1969 के अंतर्गत अगले वैज्ञानिक यानी आर एच विटकर आ गए। आर एच विटकर ने यानी समस्त जीवधारियों को यानी पांच जगत में यानी विभाजित किया, जिसका यानी बेसिस जो उन्होंने दिया यह यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी जीवधारी अपने पूर्वजों से किस प्रकार से संबंधित है इसके आधार पर इन्होंने अपना एक बेसिस बनाया। दूसरा सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप समझते हैं कि यानी जितने भी आपके मल्टी सेलर जीवधारी हैं वो पहले सिंगल सेल थे, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया वो मल्टी सेलर होते चले गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दिया गया। दूसरा यानी तीसरा इसमें दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जीवधारी किस प्रकार से यानी भोजन ग्रहण करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है या यानी हेटरोट्रॉपिक है, किस प्रकार से यह भोजन ग्रहण करता है। इसके पश्चात यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें यानी थैलस होता है, जैसे आप यानी ब्रायोफाइट को देख लीजिए, उसमें यानी क्या होती है यानी ऐसे पौधे जिसमें जड़ तना पत्तियां क्या होती है पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वो आधारित नहीं होते हैं, इनको थैलस यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। तो ये पांच यानी आपके क्या रहे, यह यानी बेसिस है जिसको एज हम ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। देखिए यानी ट्रिक क्या बन रहा है आपका PCMRT। हमने सभी शब्दों का पहला अक्षर ले लिया और एक शानदार ट्रिक आपका तैयार हो गया, यानी PCMRT, मतलब पी से फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, सी से यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर से रिप्रोडक्शन और टी से यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पांच यानी इसने क्या कर दिया, यानी पांच इसके बेसिस रहे और इस बेसिस के आधार पर इसे यानी पांच जगतों में यानी फाइव किंगडम के अंतर्गत इसको डिवाइड कर दिया। इसमें पहला आपका मोनेरा, इसके पश्चात यानी जो आर एस विक्टर ने इस पांच जो बेसिस थे इसके आधार पर इन्होंने पांच जगत फाइव किंगडम सिस्टम दिया, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेनी। मोनेरा में किन जीवों को रखा गया, तो ऐसे जीवधारी जो यूनिसेलुलर हो, सेलुलर, प्रोकैरियोटिक हो, ऐसे जीवों को रखा गया जो यानी एक कोशिकीय होते हैं और जिसमें क्या होते हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स ऐसे कौन से जीवधारी होंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी चीजें आके किसमें आ जाती हैं, ये मोनेरा में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और ना ही ये आपके मल्टी सेलर होते हैं, मतलब यूनिसेलर होते हैं। दूसरा यानी प्रोटिस्टा, इस शब्द के बारे में देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये आपके क्या होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। और आपके यानी दूसरा देखा जाए तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें केंद्रक क्या होता है यानी पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि यानी जीवों को रखा गया। इसके पश्चात यानी तीसरा आपका यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर देखा गया, तो जो फंजाई होता है ये फंजाई क्या होता है यानी मतलब देखा जाए तो ये सेप्रोफिटिक होता है, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे यानी सड़े गले पदार्थों से ये भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं फंगस कहते हैं। तो जितने भी आपके चाहे वो आपका कोई भी राइजोपस हो, ईस्ट हो, इन सभी फंगसों को अलग यानी फंगाई यानी फंजी के अंतर्गत रख दिया गया। इसके पश्चात यानी प्लांटिंग, जो आपका मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं परंतु ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं क्योंकि क्लोरोफिलस होते हैं। इसके पश्चात यानी लास्ट आपका जो किंगडम आता है वो होता है एनिमेलिया, ये भी आपके मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं बट यानी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे यानी जीवों से यानी क्या कहते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से यानी टोटल यानी फाइव किंगडम सिस्टम आपका दिया गया। आर एस विक्टर के द्वारा ये दी गई जो फाइव किंगडम सिस्टम रही ये सभी वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वमान्य रही।
ये यानी कि जितने भी आपके वैज्ञानिक दिए गए ये सभी वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वमान्य रही। कुछ वैज्ञानिक इसकी डिमेरिट भी बताते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप इसकी मेरिट जान लीजिए कि इन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर को अलग कर लिया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को अलग कर लिया, इसने यानी कि जो आपके फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को अलग कर लिया, इसमें भी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग कर लिया, ऑटोट्रॉपिक और यानी कि हेटरोट्रॉपिक जो मोड था इसको भी इन्होंने अलग कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए कि आर एस विक्टर के द्वारा यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है सर्वमान्य यानी कि सबके द्वारा ही माने गया और यानी कि मोर एक्सेप्टेबल ये कहा जाए ये यानी कि माना जाता है। इसके पश्चात यानी कि अगला यानी कि सिस्टम दिया गया कर्ल उज के द्वारा। कर्ल उज यानी कि जो डोमेन सिस्टम यानी कि प्रणाली देते हैं और डोमेन सिस्टम यानी कि किसके आधारित होती है, तो यह टी असर यानी कि आर आर एन ए पर आधारित होती है, यह राइबोसोमल पर आधारित होती है और यह यानी कि मात्र आपके जो बैक्टीरियल है बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट किया। देखिए जब यानी कि आर एस विक्टर के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रही, इसके पश्चात यानी कि कार्ल उज एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम प्रदान किया। इसको दूसरे शब्दों में हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इन्होंने यानी कि जो बेसिस बनाया द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए, मतलब जब आप इसका जब सेल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जीवधारियों के अंतर्गत यानी कि दो प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं जो डीएनए और आरएनए होते हैं, वही आरएनए आपके मुख्यतः तीन प्रकार के बढ़ जाते हैं जिसमें टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। तो यह आरएनए के आरआरएनए के सीक्वेंस के आधार पर यह यानी कि डोमेन यानी कि उस नामक वैज्ञानिक ने इसे तीन डोमेन में डिवाइड कर दिया। इसमें पहला रखा गया आर्किए, दूसरा यानी कि बैक्टीरिया और तीसरा यूकेरिया। इसके साथ साथ यानी कि जो आर्किया यानी कि रखा गया इसमें एक किंगडम यानी कि आपको बनाया गया जिसको रखा गया आर्कियो बैक्टीरिया। उस जो बैक्टीरिया है उसमें एक यानी कि किंगडम रखा गया जिसे मोने रखा गया। इसके पश्चात यूकेरिया के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया रखा गया। इसके साथ साथ यानी कि डोमेन है क्या, तो जैसा कि हमने लिखा है कि डोमेन इज ए सुपर किंगडम एंड एक्स्ट्रा यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब एक अधिक काम कर लें कि एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है जिसके आधार पर कार्ल उज ने इन सबको अलग अलग यानी कि क्लासिफाइड कर दिया। इसके साथ साथ यानी कि इसमें एक एक सीक्वेंस को हम करते हुए चलेंगे जिसमें यानी कि अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, ये किस कंडीशन में रहता है, किसके डिवीजन से आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया बना, तो ये अगले यानी कि नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तब यानी कि इसको डिफाइन किया जाएगा।